हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज का वीडियो हमारा है क्राइसैंथेमम प्लांट की केयर के ऊपर। तो आप जैसे कि देख सकते हो, मेरे सारे प्लांट्स में कितने अच्छे और हेल्दी ब्लूम्स आए हैं। तो आज मैं वही सारी डिटेल्स आपसे शेयर करने वाली हूँ कि मैंने ऐसा क्या किया है कि इसमें इतने अच्छे से ब्लूमिंग हो रही है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमेशा की तरह मैं सॉइल की बात करूँगी। सॉइल आपको इसकी एकदम वेल ड्रेन बनाना है। और मैंने इसकी सॉइल में एक हिस्सा सैंड, एक हिस्सा सॉइल, एक हिस्सा कॉम्पोस्ट और साथ में राइस हस्क डाली है। अच्छी क्वांटिटी में मैंने राइस हस्क डाली, जिसकी वजह से हमारी जो सॉइल है वो काफ़ी पोरस बनी है। और साथ ही साथ मैंने डाला है इसमें बोन मील, नीम की खली और जो है मस्टर्ड केक का जो होता है उसका पाउडर मैंने बना लिया था, तो वो मैंने इसकी सॉइल में ऐड करा है। तो ये तो हो गई सॉइल की बात। अब बात कर लेते हैं इसकी वाटरिंग की। वाटरिंग सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। वाटरिंग आपको तभी करना है जब आपको लगे कि आपके प्लांट में जो सॉइल है वो हल्की सी ड्राई साइड पे हो रही है। बहुत ज़्यादा सॉगी सॉइल में इसमें रूट रॉट बहुत जल्दी होता है और स्टेम भी बहुत जल्दी से गलने लग जाती हैं। और आप देखो, मेरा जो ये है, देखो आप, एकदम हल्का सा वेट सा है, बहुत ज़्यादा सॉगी नहीं है सॉइल। तो इस तरीके से आपको वाटरिंग करना है। तभी वाटरिंग करें जब हल्का सा ड्राई आपको लगे। और ये एक फुल सन लाइट में ग्रो करने वाला प्लांट होता है। तो आप जब भी ये प्लांट लगाएं अपने गार्डन में तो इसे ऐसी लोकेशन पे प्लेस करें जहाँ पे इसको 5 से 6 घंटे की अच्छे अमाउंट में सनलाइट मिले। जितनी अच्छी धूप इसे मिलेगी उतना अच्छा आपको जो है पेस्ट के अटैक की प्रॉब्लम भी नहीं होगी और अच्छे नंबर्स में ब्लूम्स आएंगे और प्लांट भी बहुत अच्छा हेल्दी ग्रो करता रहेगा। साथ ही साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है फ्रेंड की, पिंचिंग। जब भी कोई फ्लावर आपको लगे कि स्पेंट हो रहा है तो आप उस प्लांट फ्लावर को जो है रिमूव कर दें सीजर की हेल्प से। तोड़ के नहीं, ऐसे हाथ से नहीं तोड़े, सीजर से प्रॉपरली कट करके वो फ्लावर अलग कर दें। तो उससे क्या होता है कि जो बाकी जो बर्ड्स वगैरह आ रही होती हैं तो उनको अच्छे से न्यूट्रिशन मिल सकता है। जो स्पेंट फ्लावर होता है वहाँ पर जो होता है न्यूट्रिशन की, आप कह सकते हो, सप्लाई रुक जाएगी। तो जो बाकी जो ब्लूम करने वाले होते हैं बर्ड्स, उनको एनर्जी मिलती है और वो अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। तो पिंचिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और सभी फ्लावरिंग प्लांट्स में पिंचिंग ज़रूरी होता है। तो आप पिंचिंग ज़रूर करें जब भी स्पेंट। और फ्रेंड्स, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात इस प्लांट में होता है कि इसमें एपिड्स का वाटर अटैक होता है। तो जब भी आपके प्लांट में एपिड्स या मीली बग्स आपको दिखें तो आप जो है तुरंत ही इसमें लिक्विड सोप और नीम ऑयल का स्प्रे कर दें या फिर इमीडा क्लोप्रेट का। तो इमीडा क्लोप्रेट तो तब के लिए होता है जब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। बट अगर आप स्टार्टिंग से ही इसका ध्यान रखें, अच्छे से ही प्लांट को चेक करते रहें और हर 10-15 दिन पे लिक्विड सोप नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें तो फिर प्रॉब्लम आती नहीं है। और फिर भी अगर आपको लगता है कि किसी भी रीज़न से हो गई है तो आप इमीडा क्लोप्रेट कर सकते हो। और इमीडा क्लोप्रेट का जो असर होता है वो 20-25 दिन आपको एकदम फुर्सत हो जाती है, बार बार जो है पेस्ट का अटैक फिर आपको देखने में नहीं मिलेगा। अब फ्रेंड बात कर लेते हैं कि इसको फर्टिलाइज कैसे करना है। तो अब क्योंकि ये बहुत हैवी ब्लूमर्स होते हैं, आप देख सकते हो मेरे इस प्लांट में भी कितने अच्छे से फ्लावरिंग हुई है और कितनी नए नए बर्ड्स आ रही हैं। तो इसे आप जो है फर्टिलाइज भी करते रहो, हर 10-15 दिन के गैप पर आप प्लांट को लिक्विड फर्टिलाइज़र दो। तो आप मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र दे सकते हो, बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता प्लांट पे। आप आराम से लिक्विड फर्टिलाइज़र, मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र आप दे सकते हो, वो दे सकते हो। या फिर अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र देना चाहो तो आप सिंगल सुपर फॉस्फेट और पोटाश, ये दोनों जो है पॉट के साइज़ के अकॉर्डिंग आप प्लांट को दे दें। अगर आपका प्लांट बड़ा है तो आप जो है बड़े पॉट में लगा हुआ है तो आप जो है हाफ हाफ टीस्पून दोनों दे दो। और अगर आपका प्लांट छोटे पॉट में लगा हुआ है जैसे कि मेरा पॉट है तो मैं 1/4 टीस्पून दोनों चीज़ें मिक्स करके प्लांट को दे देती हूँ। तो ये केमिकल फर्टिलाइज़र की बात हो गई। एक और बहुत अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आप दे सकते हो जो कि बहुत रेडली आजकल अवेलेबल होता है हर किसी के घर में, मैं आपको वो दिखाती हूँ।
ये है, जैसे ये आप देख सकते हो कि आलू का जो हम लोग पील होता है ना, पोटैटो का पील है, जो आजकल नए आलू आते हैं तो जब हम उन्हें छीलते हैं ना तो इस तरीके से निकलता है। तो आप ये बहुत अच्छा, बहुत ही इसके अंदर न्यूट्रिशियस होता है ये, और जो है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, फ्लावरिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस तरीके से आप कलेक्ट कर लो और वो भी आप प्लांट को दे सकते हो। और इसमें थोड़ा सा पानी, जब आप जो है प्लांट को देने लगो तो थोड़ा सा पानी और ऐड कर लो, तो आप ये दे दो ये प्लांट को, ये बहुत अच्छा रहता है। मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं इससे, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और छिलके भी आप डाल सकते हो, छिलके भी बेकार नहीं होते। छिलके भी आप पॉट में, किसी भी और पॉट में अगर डालना चाहो, जहाँ आपको लगे कि फर्टिलाइज करना है जिस प्लांट को, आप वो छिलके भी डाल सकते हो। छिलके भी फेंकने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये सारी हो गई फर्टिलाइजेशन की बात। अब प्रोपोगेशन की बात कर लें तो इसे स्टेम कटिंग से आप बहुत ईजिली ग्रो कर सकते हो। और मेरे भी ये जो प्लांट्स हैं, इनमें से मैंने बहुत सारी कटिंग्स लगा दी थी। यहाँ पर आप देखो, ये जो है ना, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ब्रांचेस थी, तो मैंने सोचा प्लांट्स और अच्छे से बुशी बन जाए, तो मैंने कुछ ब्रांचेस कट करी थी, जो मैंने आपको जैसे बताया कि मैं प्रून करती रहती हूँ, तो मैंने यहाँ पर लगा दी थी और ये भी अच्छे से लग गई हैं। थोड़ी सी ये जो है ना, ये बड्स इसमें पहले से आई हुई थी, तो ये थोड़ी सी स्पेंसी हो रही हैं। बाकी आप देखो ये कितना अच्छे से टाइट हो रहा है, ये प्लांट लग गया है ये। और एक ये छोटू सा, ये भी मैंने इसी की कटिंग से लगाया हुआ है, ये भी अच्छे से चल गया। और भी मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कहाँ कहाँ पर कटिंग्स लगाई। ये देखो आप, यहाँ पर भी मैंने कटिंग्स लगाई थी और अब इनमें बड्स भी आनी स्टार्ट हो गई है, ये देखो। और ये जो प्लांट्स हैं ये सब कटिंग से मैंने लगाए थे और सब में अच्छे से बड्स आनी स्टार्ट हो गई। और ये इसका मदर प्लांट था जो इससे मैंने कटिंग ली थी, और अब इनमें भी बड्स आनी शुरू हो गई। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर भी बड्स आ रही है। तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो मदर प्लांट था वो भी अच्छे से बुशी हो गया और हमें नए प्लांट्स भी मिल गए, तो आने वाले टाइम में हमारा पूरा पॉट फ्लावर से भर जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप ये छोटा सा वीडियो क्राइसैंथेमम के ऊपर आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके फ्रेंड, बाय, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स, हैप्पी गार्डनिंग।